दोस्तों, फिर हम बात करेंगे फोर्थ टोकन एम्फल फोर्थ गवर्नेंस टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 3.76 यूएसडीटी पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और प्रीवियस जो लेवल था उससे भी नीचे इस कॉइन की प्राइस अभी आ गई है और एक अच्छे लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। जो लोग इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, जो लोग इस कॉइन को बाय करना चाहते हैं, इस वीडियो हम बात करेंगे कौन से आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी पिछले 7 से 8 दिनों से हमें मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला और जो कॉइन्स हमने अक्टूबर मंथ में आपको शेयर किए थे, अक्टूबर के मंथ में जो लास्ट में शेयर किए थे, ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर 25 या 30 अक्टूबर तक जो भी शेयर किए थे, उन सभी कॉइन्स के अंदर ऑलमोस्ट 30% 40% 50% या 80% तक का पंप देखने को मिला और कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिन कॉइन्स में 200% तक का पंप देखने को मिला। बैंड प्रोटोकॉल कॉइन में एक गज़ब का पंप देखने को मिला, तो वहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री ली थी उन लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट उन कॉइन्स के अंदर अर्न किया है। और आज अगर देखें तो लगभग सभी कॉइन्स 8-10% डंप के अंदर, BTC में 5-7% का डंप है, BTC 19,600 पर ट्रेड कर रहा। अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो जिनमें ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं हुआ था और जो प्रीवियस जो लेवल था जहाँ पर अक्टूबर मंथ में ट्रेड कर रहे वहाँ से भी नीचे आ गए। उसी सीरीज़ में जो एम्पल फोर्थ टोकन है ये एक अच्छे लोवेस्ट प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा और इसमें अपोस्टी है। कुछ और कॉइन्स हम शेयर करेंगे आपको आज के दिन में और कल के दिन में यहाँ पर उनका TA और बेसिक एनालिसिस करके। तो आज क्या निकल के आ रहा है, सबसे फर्स्टली जो न्यूज़ है वो जो UK का जो न्यूयॉर्क का जो एक जस्टिस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 3.36 बिलियन के क्रिप्टो एसेट जो है बिटकॉइन जो है वो सीज किए गए हैं और इस वजह से यानी कि ऑलमोस्ट 1,78,000 BTC सीज किए गए हैं। और इस वजह से अगर आप देखें तो BTC में भी सडन डंप देखने को मिला, सुबह के टाइम में देखने को मिला और अभी भी उसकी प्राइस में डंप देखने को मिला और दूसरे जो कॉइन्स हैं उनमें भी ये देखने को मिला। दूसरा FTT एक्सचेंज जो और CJ बिनास जो उनकी जो वॉर चल रही है, जो भी ट्वीट वॉर है और जो भी उनका टोकन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही है उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के अंदर है। तो ये मिला जुला इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में रिकवरी थी और अब डंप है। तो मैं हालांकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब इस टाइप का पंप होता है तो आपको ऊपर की तरफ किसी भी कॉइन में बाई नहीं करना है कि जब पंप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतलब ऑलमोस्ट 70-80% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि डिप के अंदर एंट्री नहीं लेते। जब मूवमेंट होता है कॉइन के अंदर 10%, 20%, 30% बढ़ जाता है वो वहाँ पर एंट्री लेते हैं और फिर वहाँ पर एंट्री या फिर उनमें जब 30% मूव हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा जो करेक्शन रहता है वहाँ पर एंट्री लेते हैं और वो सबसे बड़ी गलती रहती है। वहाँ पर आप एंट्री लेके फिर डंप के अंदर आप आ जाते हैं, उस प्राइस की उस कॉइन की प्राइस नीचे आ जाती है, फिर आप वेट करते रहते हैं। कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मुझे पता है। अब ये जो कॉइन है 3.77 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा जो लेवल है वो 3.75 वाले यानी कि ऑलमोस्ट करेंट प्राइस पर आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं और एंट्री आपको 80% पार से लेनी है जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं इस कॉइन के अंदर। दूसरा सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो ओवरऑल इस कॉइन को यहाँ पर 3.6 USDT का सपोर्ट है डेली के अंदर। इससे पहले जो सपोर्ट एरिया था वो है 4.2 USDT, जहाँ से ऊपर ये कॉइन ने डेली क्लोजिंग की थी यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से और उससे पहले भी। तो 4.2 वाला सपोर्ट है तो इसने ब्रेक कर दिया है, अब इससे नीचे 3.6 है तो 3.6 को भी नॉर्मली ट्राई किया है। डेली क्लोजिंग कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट एंट्री आपकी 3.75 पर और जैसे 3.63 तक ये कॉइन गया था तो बाय चांस यहाँ से जैसे कि जो 15 मिनट का चार्ट ओपन है तो जो प्राइस एक्शन है वो इस टाइप से होता है कि यहाँ से यहाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन की। अब जब प्राइस यहाँ तक आएगी यानी कि ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं 5 PM to 6 PM के समथिंग में, तो यहाँ से या तो मूव करेगा ऊपर की तरफ या फिर थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको 3.6 या 3.55 तक देखने को मिल सकता है शाम तक। तो 3.55 पर आपको 20% पार से एंट्री लेनी है सेकेंड एंट्री। इस टाइप से एक अच्छे लेवल पर एंट्री हो जाएगी। टारगेट्स की बात करते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 4.7 USDT, जहाँ तक ऑलमोस्ट आपको
20 से लेकर 25% तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और सेकेंड एरिया है 5.1 यूएसडी, जहाँ पर आपको 60-40 के रेशो में सेल आउट करना है। ये आपके लिए बेस्ट टारगेट रहेगा क्विक प्रॉफिट वाले जो लोग हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए टारगेट रहेगा 5.5 से लेकर 5.8 यूएसडी वाला टारगेट। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल की भी बात करेंगे। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो ऊपर की तरफ बाय कर लेते हैं, जिनको कॉइन्स रिलेटेड नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, और लेकिन उनके पास अमाउंट है और उनको पैसा अर्न करना है, तो वो क्या करते हैं, कहीं पर भी बाय कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर जो क्रिप्टो रिलेटेड स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, क्या क्रिप्टो का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखना चाहते हैं, सिग्नल्स चाहते हैं कि अच्छे कॉइन्स के सिग्नल उनको रेगुलर बेसिस पर मिले, और लाइव चैट एक्सेस चाहते हैं, तो उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है। यहाँ पर हम यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं हर चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मिस हो जाती चीज़ें, या फिर इंस्टेंटली मार्केट में अगर कुछ होता है तो उसके लिए वहाँ पर आपको हम जैसे वहाँ पर हम गाइड कर पाएंगे आपको। जो नए हैं, जो उनको पुराने हैं, वो उनको पता है कि कहाँ से आपको न्यूज़ एक्सेस करनी है सारी चीज़ें, तो वो क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें हैं या फिर कोई क्वेरीज वगैरह है, उसके लिए आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं या बेनिफिट जानना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप डीएम करके बेनिफिट जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं, जैसे आपको 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, 1.5 ईयर का पर्सपेक्टिव, एक अच्छा कॉइन है, और आपको इतने टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ये कॉइन 10 से ऊपर 12 USDT से लेके 16-18 USDT पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा मार्केट में, अच्छी रिकवरी होती है, यानी BTC 30,000 से ऊपर भी ट्रेड करता है। तो बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक हैं, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि इस टाइप की रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।